Max Weber is another big name in the field of political sociology because he has given his new concepts regarding the uh, struggle regarding the class system in the society Max Weber was interested in establishing sociology as an academic discipline मैक्स वेबर की बेसिक जो थिंकिंग है बेसिक जो थॉट है उसके मुताबिक पॉलिटिकल सोशियोलॉजी एक डिसिप्लिन है एकेडमिक डिसिप्लिन क्या होता है एंड वो ऐसा मज़मून ऐसा सब्जेक्ट जिसके अंदर हर वक्त इल्मी बातें हों एक इल्मी डिबेट चलती रहे हम सब जानते हैं कि इल्मी डिबेट तभी होती है सब्जेक्ट की ग्रोथ तभी होती है जब उसके अंदर हालात व वाक़ात का तजिया शामिल किया जाए यानी कोई भी सब्जेक्ट इल्मी लिहाज से मुकम्मल भी तभी समझा जाएगा या अहम भी तभी समझा जाएगा जब उसके अंदर ऐसे सवाल उठाए जाएं, ऐसी डिबेट हो जिसका ताल्लुक हम सब के साथ हो हम सब के फ़ायदे के साथ हो हम सब की बेहतरी के साथ हो तो बड़े आराम से हम इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि मैक्स वेबर बुनियादी तौर पर पॉलिटिकल सोशोलॉजी को एक ऐसे सब्जेक्ट के तौर पर देखना चाहते हैं जिसके अंदर एकेडमिक डिबेट इल्मी जो बहस है वो मुमकिन हो सके ही स्ट्रेस डेटर रिसर्चर शुड स्टडी अदर आस्पेक्ट्स टू एंड शुड नॉट ओनली फोकस ऑन द इकनॉमिक लेवल ओनली यानी मिक्स वेबर के नज़दीक सिर्फ मौशी हवाले से बात करना मौशी हवाले से डिबेट करना ये इनफ नहीं है और अगर हम देखें तो ये अकली तोजीह है जो मिक्स वेबर ने पेश की है बिकॉज ओनली इकनॉमिक इश्यूज कैन नॉट नाट द प्रिवेलिंग सिचुएशन इन एनी सोसाइटी बिकॉज इकनॉमिक सिचुएशंस आर इंटरलिंक्ड विद द पॉलिटिकल डेवलपमेंट इकनॉमिक इशूज आर इंटरलिंक्ड इन कॉन्टेक्सट ऑफ देयर इम्प्लीकेशन्स विद द सोशल सेटअप ऑल्सो सो एवरी सोसाइटी इज़ यूनिक नो डाउट वी ऑल एग्री विद मैक्स वेबर बिकॉज एंड वन नीड्स टू स्टडी द हिस्ट्री इकॉनमी एंड कल्चर ऑफ दैट सोसायटी इन ऑर्डर टू कंप्लीटली अंडरस्टेंड द वर्किंग ऑफ द सोसाइटी बिल्कुल क्योंकि मैक्स वेबर के बगौल कोई भी मुआरा सिर्फ मौशी बुनियादों पर तो नहीं कायम होता हर माशरे की एक तारीख होती है हर माशरे का एक कॉन्टेक्स्ट होता है जिसके अंदर उसके लोगों का रहन सहन वहाँ का कल्चर वहाँ की तारीख ये सब मामला जो हैं ये अहम होते हैं और इन सब के मिलने से ही माशरा जो है वो काम करने के काबिल होता है तो मुख्तरा हम मिक्स वेबर के की फ़िलोसफी के बारे में ये बात समझ सकते हैं कि वो एक कॉम्प्रीहेंसिव किस्म के माशरे की बात करता है और जिस मुशरे के अंदर अफराद के रहन सहन से लेकर के तरीकों से लेकर उन अफराद के अंदर जो तब्दीलियाँ आती हैं उनका निज़ाम सियासी निज़ाम उनको कैसे ले कर चलता है तब्दीलियों को कैसे देखता है उन तब्दीलियों के बारे में आगे के सिलसिले जो हैं वो कैसे जारी रखे जा सकते हैं इन सब डेवलपमेंट्स की बात होती है तो कार मार्क्स के नज़दीक जो रेशनलाइजेशन है दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट वट इज़ रेशनलाइजेशन यानी जो हकीकत में जो डेवलपमेंट्स होती हैं जो बड़ी लॉजिकल होती हैं मसलन अगर अफराद हैं उनकी ये फितरी ख़्वाहिहिश है कि उनके पास ज़रा मौजूद हो। अब अगर कुछ लोगों के पास ज़्यादा जराए मौजूद हैं तो उनकी ज़िंदियाँ जो हैं वो मुख्तलिफ़ होंगी उन लोगों के कंपैरिजन में जिनके पास ज़रा कम हैं या वो उन जराए के हसूल की जद में मसरूफ़ हैं तो रेशनलाइजेशन की बेस पर हम ये कह सकते हैं कि हर फर्द जो माशरे के अंदर रहता है उसके अंदर उसकी खास कैपेबिलिटी होती हैं उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं जैसे आप मैं, हम अलग अलग वजूद रखते हैं हमारी अलग हैं ऐसे ही उन सलाहियतों को ब्रूएकार लाते हुए जब हम काम करते हैं तो हमारे हिस्से में जो चीज़ आएगी बहुत मुमकिन है कि वो हमारी सलाहियों के एन हो जैसे आप और मैं इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि हम पॉलिटिकल फिलोसफी मिक्स वेबर की समझ सकें खास तौर पर पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैंने आपसे थोड़ा पहले ये चीज़ें सीख ली और आप जो इस वक्त मेरी बात सुन कर ये बात समझने की कोशिश कर रही हैं तो इसका मतलब है आपका रोल ये है तो इस वेबर की जो बेसिक फिलॉसफी है दैट इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू द रोल ऑफ इंडिविजुअल्स कि हम में से हर फर्द का एक रोल है ठीक है वो अपने रोल को कैसे परफॉर्म करता है उसके हिस्से में बसा अवत वही चीज़ आती है जो उसने जिसके मुताबिक अपना रोल जो है वो परफॉर्म किया हुआ होता है सो वी कैन से that if there is a downfall of industrial societies then definitely that downfall can be converted into the that when a state is ruled by a rational legal authority like overwhelming bureaucracy would arise and life would become purposeless unless the bureaucracy is controlled by strong politicians यानी मैक्स वेबर का ये ख्याल है कि हर माशरे के अंदर कुछ लोग कुछ अथॉरटीज़ वो होती हैं जिनका ताल्लुक़ वहाँ की रवायात से होता है ठीक है वो एलीट हो सकते हैं वो एलीट जो फ्यूडल भी हो सकते हैं वो एलीट जो रिलीजियस भी हो सकते हैं यानी रवायती तौर तो पर कुछ अफराद के हिस्से में ज़्यादा अहम किरदार आ जाता है लेकिन अगर किसी वक्त वो अफराद अपना वो मौसर किरदार अंजाम ना दे सकें तो बिलाकर हर माशरे के अंदर ये तब्दीली आती है कि वहाँ पर कुछ लीगल रैशनल अथॉरटीज़ जो हैं वो राइज करती हैं ये लीगल रैशनल अथॉरिटीज़ जो हैं ये आम तौर पर ब्यूरोसी के नाम से आती हैं यानी वो लोग जिनमें इलमी काबिलियत होगी जो पढ़े लिखे होंगे जिनकी बाकायदा तरबियत होगी और ऐसे अफराद जो हैं अगर कहीं किसी वक्त ये लगे कि वो अपनी हदूद से बाहर निकल रहे हैं तो उन पर किसका कंट्रोल होना चाहिए उन पर कंट्रोल उस मुल्क के उस वक्त के जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनका कंट्रोल होना चाहिए और ये उनका इख्तियार है कि वो ब्यूरोसी को साथ लेकर किस तरीके से ऐसा काम करवाएं कि जिसका फ़ायदा आम लोगों को हो और की बहबूद मुमकिन हो सके यानी मैक्सवेबर के नज़दीक एक सिलसिला है जो जारी रहता है हतमी अख्तियार बाकायदा तौर पर मंतख क्यादत के पास होना चाहिए लेकिन काम करने का जो असल जिनकी ड्यूटी है वो वो लोग हैं जो अपने प्रोफेशन में ट्रेंड हों उनकी तरबियत हो और वो बेहतरीन दिमाग हों उस माशरे के यानि इन जिनको वो ब्यूरोसी का नाम देता है तो मुख्तरा हम ये बात कह सकते हैं कि मिक्स पेपर के नज़दीक जो पोलिटिकल सोशियोलॉजी है ये रेलेवेंट है किसी भी माशरे के उन तमाम मरहल के अलूम के साथ जिनसे माशरे गुजरते हैं और अपनी हतमी मंजिल की तरफ गामजन होते हैं जिसमें मुख्तफ मराहल आते हैं मिक्स फेबर अपनी फिलॉसफी के थ्रू उन मराहल के बारे में ना सिर्फ गुफ्तू करते हैं बल्कि अपने ख्याल की वजह से उनका बहुत ज़्यादा असर रहा वेस्ट के ऊपर जहाँ बाकायदा पोलिटिकल सिस्टम के अंदर उनके मॉडल्स को अडोप्ट भी किया गया इसी वजह से उनकी कॉन्ट्रीब्यूशनस जो हैं वो बहुत ज़्यादा समझी जाती हैं